साहिबंद के मूल मंत्र निज नाम है और मंत्र सब झार, कहे कबीर सतनाम बिन कैसे उतरे पार, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बड़ला कोई, सत्य शब्द अब करो बखाना प्रकाशा, पावे हंसा लोक निवासा। हे धर्मदास मैं ये गुप्त रहस्य बताता हूं, सुर नर मुनि जाने नहीं चाहें। अब यहां साहेब कह रहे हैं इसे सुर नर मुनि नहीं जानते, मुक्त हुए सतलोक है जाए आदि पुरुष के दर्शन पाए। यानी धर्मदास जी साहेब से प्रश्न कर रहे हैं, सोई ज्ञान मह का समझाई, जरा मरण का बीज नशाई, हे सतगुरु आप कृपा करके मुझे वही सूत्र बताओ, मैं बार बार जन्म मरण में नहीं आना चाहता हूं, जन्म मरण का दुख अति भारी, आप थोड़ा विचार करके देखें इस संसार में सभी दुखी है, तंधर सुखिया कोई न देखा, तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, देह धरे का दंड है भुगतते हैं सबको, ये शरीर तो एक सजा के तौर पर है, देह धरे का दंड है भुगतते हैं सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से मूर्ख भुगतत रोए। थोड़ी सी अपनॉर्मलिटी हो तो शरीर में कई बीमारियां आ जाती हैं। शरीर में रहकर कोई आदमी सुखी हूं नहीं कह सकता है, मुझे ठीक ध्यान है, मेरा गांव बड़ा आदर्श गांव था जिसमें 4,000 लोगों की बस्ती थी, पूरी सुविधाएं थी उसमें, सड़कें साफ थी, कहीं गंदगी नहीं थी। उस जमाने में सिर्फ एक आदमी को शुगर की बीमारी थी, सिर्फ एक को 4,000 लोगों में, एक आदमी को सिर्फ टीबी थी। आज आप देखें सभी लोग रोगग्रस्त हैं, वैसे तो शरीर रोगों का घर है, ये तन विष की बेलरी, ये संसार ये शरीर तो विष की बेल है, कफ पित वाय तीन का खेल है, अधिक खटाई खा ली पित्त बढ़ेगी, जब पित्त बढ़ जाएगी तो गैस भी बढ़ेगी, जी घबराएगा उल्टी आएगी, अधिक मीठा खाया तो वो भी हानिकारक है, अधिक तीखा खाया वो भी हानिकारक है, लोग जिभ्या स्वाद के कारण नरकी ने बहुत पाए। इसलिए शरीरधारी अगर कहे मैं आनंद में हूं तो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी है, देह धरे का दंड है भुगतते हैं सबको, यही बाइबल में ईसा मसीह जी ने भी कहा, हम सब अपने पापों के कारण पृथ्वी पर हैं। वाह, स्वर्ग तक की बात बोल रहे हैं वो साहब, तो बड़ी ऊंची बात बोल रहे हैं। इसलिए धर्मदास जी एक प्रार्थना कर रहे हैं, जन्म मरण का दुख अति भारी, हे प्रभु इस आत्मा का जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है, कृपा करके मुझे वो रास्ता बताओ जिससे बार बार मैं संसार सागर में नहीं आऊं, और मुझे कैसे रहना है, मैं बहुत शीघ्र वहां पहुंचना चाहता हूं। कहे कबीर किसको समझाऊं, साहब उरहन दे रहे हैं, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा,
सबको लगलवा पिटवा का धंधा, एक दुई होए ताहे समझो संतो ये जग बोराया। अब क्यों कहा, और कहीं कहीं कह रहे संतो ये जग पागल खाना, पागल खाना कह दिया। पागल उसको कहते हैं जो मस्तिष्क का ठीक प्रयोग नहीं कर सकता। इस तरह ये जीवात्मा जैसे मन की तरंगे आती है, कल भी मैं इस विषय पर बात की, वैसा ही काम कर रही है। कह रहे हैं ये जन्म मरण का दुख बहुत भयंकर है, गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि नहीं याद है। 9-10 मास गर्भ में औंधे मुंह झूला, 9-10 मास गर्भ में औंधे मुंह झूला, रेनर बेदिन काहे भूला। वाह, हे मनुष्य तू वो क्यों भूल गया, गर्भ में तूने किया था कॉल, गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि न याद है। बहुत बड़ा दुख है जन्मने का, और मरने का दुख अति भारी। नानक देव जी ने फरमाया मौत के समय 16 बिच्छू जो डंक मारते हैं इतनी पीड़ा होती है, बिच्छू की डंक की बहुत बड़ी पीड़ा होती है। एक बहुत तगड़ा सेवादार था हमारा, गोंडा की बात है, बिच्छू ने डंक मारा, वो नाच रहा था जोर जोर से। मैं कहा नाच क्यों रहे, बोला दर्द इतना हो रहा है सहा नहीं जा रहा है। नानक देव जी कह रहे हैं मौत के टाइम पर 16 बिच्छू डंक मारते इतनी पीड़ा होती है, पूरा ब्लड उस समय जलता है, इसलिए मृतक को चीर के देखना एक बूंद भी खून नहीं होगी, नहीं होगा। जब जिंदा था ब्लड सर्कुलेट हो रहा था, वह एक प्रक्रिया हुई उस समय कि खून पूरा जल गया, और जब वो खून जलता है तो असहनीय पीड़ा होती है। प्रमाण सामने है, किसी मृतक के शरीर में आप छोटा सा घाव करके देखना, एक बूंद भी खून नहीं आएगा। तो 16 बिच्छू का दर्द होता है। साहब यहां सावधान कर रहे हैं, हे जीव तू नाना अनंत युगों से बार बार जन्म मरण में आ रहा है, ये जन्म मरण का दुख अति भारी है। धर्मदास भी ये कह रहे हैं साहब मेरा जन्म मरण को दुख अति भारी, वही मुझे ज्ञान बताओ जिससे मैं आवागमन का चक्कर छूटे। थोड़ा पहले आप 60-70 साल पहले जाओ, लोग मोक्ष के लिए आकांक्षी थे, अभी बुड्ढों को क्या जवानों को क्या, देखो मोबाइल लिए हुए घूम रहे उसी में रमे हुए, ये एक साजिश थी। ये विकसित देशों की साजिश थी, हमारी युवा पीढ़ी इसी में समा गई। दूसरा, मैंने उस समय अपने जीवन में किसी युवा को 100 में कोई एक होगा किस्सा, 1000 में एक चश्मा, बच्चे चश्मा लगा रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं अपना प्रोग्राम देख रहा था अपने स्मार्टफोन में, जब मैंने 40 मिनट अपना प्रोग्राम देखा तो मुझे धुंधला सा दिख रहा था बाद में। वाह, इसका मतलब यह था कि उसकी जो किरणें थी सीधा हमारे विजन पर असर डाल रही थी। इसलिए अभी जापानीज जो है कलर टीवी को बैन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वो जो कलर्स की रेंज है हमारे लेंस को इफेक्टेड करती है। आज देखो बच्चे चश्मा लगा करके घूम रहे, बहुत बदल गया समय, खान पान विदेशी शैली का आ गया है, ऐसा नहीं था पहले, इसलिए रोग अधिक बढ़ गए। मुझे ध्यान है मेरे छोटे भाई का जन्म 1955 में हुआ था, मुझसे 4-5 साल छोटा, भोपाल शहर में एक भी नर्सिंग होम प्राइवेट नहीं था, एक भी नहीं था।
आज हजारों है, ये बिजनेस हो गई। एक कॉन्वेंट स्कूल था प्राइवेट में, बाकी गवर्नमेंट के स्कूल थे। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, ये सब चेंज हो गई, इसलिए जितना दुखी आदमी आ जाए इतना कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। नानक दुखिया सब संसार। आइए हम देखते हैं, धर्मदास जी ने बड़ा यूनिक सवाल किया है, सोई ज्ञान में क्या समझाई, जरा मरण का बीज नशाई, जिससे पुनर्जन्म न विद्यते, और जन्म मरण से मैं छुटकारा चाहता हूं। कह रहे हैं धर्मदास मैं सत्य शब्द बोल रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो, तुम इसे ध्यान से सुनो। पुरुष दया आने हो संसारा, वो परमात्मा की परम पुरुष की दया से मैं इसको लाया हूं, जहते पाए मुक्ति का द्वारा। अब यहां साहब कह रहे हैं जिससे ये मोक्ष को प्राप्त हुआ, आगे क्या कह रहे हैं, अध्याय 19 कहो ये भाई, हाँ 18 अध्याय तो है, अध्याय 19 कहो ये भाई, सुर नर मुनि कोई जानत नहीं। हाँ क्या बात कह दी साहब ने, तभी तो सब साहब से उखड़े। मैं पिछले दो दिन से, पिछले एक हफ्ते से दो चीजों पर कंसंट्रेट हूं, पहला गुरु सेवा गुरु भक्ति, दूसरा नाम पर। कह रहे सुर नर मुनि कोई जानत नहीं, मुक्त होए सतलोक है जाए, आवागमन का बीज नशाए। वहां के लिए साहब ने सतलोक के लिए एक बात कही, तहके गए बहर ना आवे, तहके गए बहर ना आवे, ऐसा देश हमारा है, अबधु बिगम देश हमारा है। मुझसे एक आदमी ने पूछा, बोला गुरुजी क्या गारंटी है कि सतलोक से जाकर फिर वापस नहीं आएंगे, हो सकता है निरंजन का शासनकाल 17 चौकड़ी ऐसा युग खत्म हो, सब उसमें समा जाए, पर उसकी फिर इच्छा हो जाए दुनिया बनाने की। मैं कहा साहब का एक शब्द है, पहले तो ये जो आप बात बोल रहे संभव नहीं है, ये बात संभव नहीं है, अगर ऐसा हुआ भी तो वो लोग नहीं जाएंगे जो इस संसार में आकर सदगुरु और परम पुरुष की भक्ति करके वहां गए, वो नहीं आएंगे। पहली बात तो यह है, क्योंकि साहब की वाणी पुष्टि कर रही है, जाके घट सतनाम समाना, ताका भेद कौन सहदाना, मुक्त होए सतलोक सिधाए, बहर रहंसा भव जलाए। बोला वो किसी भी दशा में, किसी भी स्थिति में दोबारा नहीं आएगा, साहेब की वाणी अकट है। अब कह रहे प्रथम रहनी हंस बखानो, कह रहे पहले कैसे एक शिष्य को रहना है, निष्दिन रहे नाम लपटानो। वाह साहेब क्या कह रहे हैं, प्रथम मैं तुम्हें यह बताता हूं, रहनी हंस बखानो। अब हंस को कह रहे चल हंसा सतलोक, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। हंस की संज्ञा क्यों दी, पहले हमारा राष्ट्रीय पक्षी हंस था, हालांकि पक्षियों में श्रेष्ठ अनल पक्ष है, अनल पक्ष संपक्ष न कोई,
अनल पक्ष जैसा कोई पक्षी नहीं। अधर में रहता है, क्या बात है, दृष्टि भाव रतविधिते ठाना। अब देखो साहब यहां पर एक कितना सुंदर अलंकार से समझा रहे हैं, दृष्टि भाव रतविधिते ठाना, हाँ, वो संतान उत्पत्ति सेक्स नहीं करता है। मैं तो कहता हूं हंस सेक्स नहीं करता है, मयूर सेक्स करता है। आप कहेंगे महाराज क्या आप उल्टी उल्टी बातें सुना रहे हैं लोगों को, आओ मैं बताता हूं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी कब कैसे बना वो बताता हूं। पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ था अनल पक्ष, पर वो दुर्लभ है। फिर पक्षियों का राष्ट्रीय पक्षी फिर हंस था, हंस भी दुर्लभ है, हंस तो है। जब ये भी नहीं मिला तो पक्षियों में श्रेष्ठ फिर मयूर को बोला, आकृति से भी सुंदर है। लोग गफलत में है, कितनी गफलत में है वो सुनो। लोगों ने क्या उक्तियां बना रखी है और समाज इसमें भ्रमित है। कहते हैं लोग मोर नाचते 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 नाचते, जब उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ती है तो रोता है। कुछ लोग तो यूं कह रहे थे ये एक भ्रम है, मोर रोता नहीं है। मैं इस पर व्याख्या दूंगा थोड़ी। कुछ लोग कहते हैं सांप बीन को सुनकर नाचता है, ये एक फ्रॉड है, सांप के तो कान ही नहीं है। अब सफेरा क्या क्रिया करता है, बीन बजाता है। सांप चोट से बचना चाहता है हमेशा, अगर सांप चोटिल हो गया फिर वो नहीं जिएगा, उसको चींटियां खा जाएगी, मार देगी, इसलिए अपना शरीर बहुत बचाता है सांप। देखना सांप ने जब किसी पर हमला होता है कुंडली मारकर बैठता है ताकि मेरे शरीर पर किस और जगह चोट नहीं पहुंचे। तो सपेरा क्या चालाकी करता है, बीन बजाते उसको एक ठसका देता है बीन का। तो सांप जब भी सांप फन उठाए तो समझना वो लड़ने के लिए तैयार है। अब सपेरा बीन बजाते बजाते इस तरह घुमाता है ऊपर नीचे। इस चालाकी को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, सोचते सांप नाचता है बीन सुनकर, जिधर बीन जाती है वो अपनी बुआ। सांप सतर्क भी है, उसकी विजन ताकत बहुत तेज है, वो जिधर बीन जाती है उधर अपनी गर्दन लेता है, नीचे आई तो अपनी गर्दन नीचे करता है बहुत जल्दी, ऊपर गई तो। सपेरा इस प्रकार से बीन बजाता है, कभी यूं घुमाता भी है। सांप इतना तेज है उस तरह अपना शरीर घुमा लेता है। हम लोग सोचते हैं वो नाच रहा है, फ्रॉड। सपेरे अपनी जीविका का यापन करने के लिए खेल दिखाते हैं। होता क्या था पुराने जमाने में, एक झाबड़ी में सपेरा सांप लाता था और सांप का खेल देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठे होते थे, बीन बजाना शुरू करता था। बीन को देखते ही सांप सतर्क हो जाता, उसको पता है इससे ये मुझ पर हमला करता है। बाद में उसका नाच देखकर लोग पैसे देते, एंड में क्या करता है, मैं तो पहला नाच सांप का देखकर तभी जान गया था नाच नहीं रहा है। एंड में लास्ट में जब वो छोड़ता है यूं ठसका मारकर भी नटर, वो
ऐसे मार के शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो देखते हैं अब मेरे पर हमला जो बीन का लग रहा था अब नहीं लग रहा है, वो शांत हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, वो सपेरे को कह रहे हैं और बीन बजाओ, क्या किंवदंतियां मचा रखी है, क्या लोगों को भ्रमित करके रखा हुआ है। सांप नाश्ता नहीं है, उसको कान ही नहीं है तो बीन क्या सुनेगा। संसार में अजीब जीव है, एक जीव है जिसके दो आंखें दो बाल लंबे लंबे आगे हैं, वो उसकी आंखें हैं। दीमक को आंख नहीं होती है, चींटी को भी आंख नहीं होती है, क्या बात है। इसलिए वो एक दूसरे के पीछे चलती है। सांप को कान नहीं, फिर कैसे पता चलता है? उसकी जो स्किन है पेट में वो बड़ी स्पंदनशील है। वो आदमी आए जान जाएगा, आदमी आया, जब भी कोई आदमी धरती पर चलता है तो धरती में एक वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होती है धरती, जो वाइब्रेशन होता है उससे सांप जान जाता है कोई आया है, सतर्क होता है। कई जीव हैं, जीवों की अलग अलग वृत्ति है। तो अनल पक्ष बड़ा अनूठा है। अब मैं पहले आपको बताता हूं मोर। मोर नाचता है, लोग सोचते हैं मोर मस्ती में नाचता है, नहीं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी है। मछली कंसीव करती है कार्तिक के महीने में, कोयल कंसीव करती है बसंत ऋतु में, कुतिया भी कंसीव करती है कार्तिक के महीने में। देखो एक ऐसा प्रकृति का नियम है, कार्तिक के महीने में कुत्ते के अंदर वृष की अधिकता आती है, इसलिए वो कामातुर हो जाता है। इसी तरह मोर सावन के महीने में मोरनी कंसीव करती है। लोग दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं अपने अपने मतलब के लिए, और मोर के अंदर शुक्राणु बीज के ज्यादा उत्पन्न होते हैं सावन के महीने में, क्योंकि खुशगवार मौसम होता है। आपने बसंत और सावन पर कई फिल्मी गीत भी सुने होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं कहता आंखें देखी, जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूं वो अनुभवी बातें हैं मेरी। जिस तरह मैंने मोर को नाचते देखा कभी किसी ने नहीं देखा होगा, इतना नजदीक नहीं देखा होगा। गोंडा आश्रम की बात है, पुराना मकान था गुरुदेव का बनाया, उसकी चौड़ाई हार्डली 7 फीट है, ऊंचाई भी 10 फीट से ज्यादा नहीं है। पहले ऐसे ही कुठरियां बनती थी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। उसमें झरोखे की जगह एक छोटा सा छोटी खिड़की थी, उस पर जाली थी हवा आने के लिए, पल्ले भी थे तो जाली खुली, पल्ले खुले थे जाली लगी थी। जाली ऐसे थी कि मैं बाहर का दृश्य देख सकता था पर बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता, और खेत में थोड़ी थोड़ी फसल थी। वहां पहले मोर ने जोर से आवाज दी 2-3। मैं आपको बताता हूं इस तरह मोर को नाचते कोई भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मोर इस तरह का नृत्य लोगों के आगे नहीं करता है, दूर से करेगा। उसने चारों तरफ मुंह करके आवाज निकाली, मोर मचाए शोर। 2-3 मिनट के अंदर मोरनी आ गई 4-5। अब मोर और मोरनी की पहचान यह है कि मोरनी मोर के पंख होते हैं पीछे बहुत, मोरनी के नहीं होते, पहचान है। जब 4-5 मोरनियां आई
तो मोर नाचना शुरू किया, कुछ नाच नहीं रहा था ऐसे जैसे वो, बस पैरों को यूं यूं कर रहा था स्पीड पे। मुझमें उत्सुकता उठी, अब मेरी खिड़की जो झरोका था उससे 3-4 फीट पर मोर था। अब वो जैसे नाच रहा था ऐसे थोड़ा घूम भी रहा था नाचते, मोर लिया उसी दायरे में मुड़ रही थी और बड़ी सतर्क थी। मैं देखना चाहता था आखिर क्या मामला है। ये प्रक्रिया उसने करीब 4 से 5 मिनट की। चार से पांच मिनट ये प्रक्रिया करने के बाद उसकी आंखों से आंसू गिरे। एक्चुअल वो भीड़ जाए, मोरनिया इतनी स्पीड में झपटी, क्या बात है। उनको यह पता कैसे चला, इससे हम कंसीव करेंगे, क्या बात है। वो पंख ऊपर क्यों करता है नाचते समय, इसका भी कॉज है। अब जब ये दृश्य मैं 4-5 फीट दूरी पर देख रहा हूं, मैं मोर को देख रहा हूं, मोरनियों को देख रहा हूं, मुझे वो नहीं देख पा रहे। जाला ऐसा था, अंदर कमरे में अंधेरा भी था, दिन का समय था। अब क्या था, वो जो इसका यूं करना था वो सुने। अब यहां पुरुष क्या बोल रहे हैं, नारी पुरुष जब धुंध मचाया, धुंध मचाया तासे भई नर की काया। अब यहां क्या है, नारी पुरुष जब धुंध मचाया, धुंध क्या कहते हैं, लड़ाई को या घमासान को या उठापटक को। तो सेक्सुअल क्रिया में नारी पुरुष दोनों धुंध वैसे ही मचाते हैं। तब बीर्ज अपने स्थान से चलने लगता है, बीर्ज चलता खोपड़ी से। वो सभी चक्रों को भेद करके नीचे आता है। इसलिए साहब क्या कहे, जोगी और भोगी दोनों एक है। जोगी चक्रों को भेदता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और अमर होता है, ब्रह्म की प्राप्ति करता है। वो मूलाधार चक्र से अपनी ताकत उठाता जाता है, फिर वो स्वादिष्टान चक्र पर आता है, फिर नाभि चक्र पर आता है, यहीं से प्राणों को उठाता जाता है, भेदता है, फिर हृदय, फिर कंठ, फिर मुख, फिर आज्ञा चक्र, तब वो इन चक्रों को भेद करके ब्रह्म की प्राप्ति करता है। जोगी नीचे से ऊपर जाता है, भोगी ऊपर से नीचे आता है। देखो साहब ने ये बोला है, दोनों चक्र भेदते हैं, इसलिए संभोग के समय मस्तिष्क से मस्तिष्क मिलाता है पुरुष नारी के, मुख से मुख मिलाता है, पहला चक्र, दूसरा चक्र, और गर्दन से गर्दन मिला देता है, वक्ष से वक्ष, चेष्ट से चेष्ट मिलाता है, कमर से कमर मिलाता है। अब साहब ये लिख रहे हैं और शिशिन से गर्भ द्वार को मिलाता है, वो पारा मस्तिष्क से नीचे उतरता है। इसलिए बीर्ज को भी ब्रह्म कहा गया है, बीर्ज को भी ब्रह्म कहा गया है। इस तरह मोर वो अब यहां साहब क्या करें, अब भोगी कैसे अमर हुआ, अपना पुत्र छोड़ दिया, खो दिया, वो अमर हो गया। इसलिए पुराने जमाने में निसंतान कोई रहना नहीं चाहता था, क्योंकि पितृ तर्पण कौन करेगा, लोग 3-13 के चक्कर में पड़े, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन तो किया, मनन नहीं किया। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और सन्यासी हूं,
इसलिए मुझे बहुत लंबा समय मिला इन सब चीजों को समझने का। टिकली बिंदी के चक्कर में नहीं था, बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में नहीं था मैं। तो बंधुओं, इस तरह मोर ने पहले मोरनियों को आवाज क्यों दिया? आप देखें वाणी में भी आ रहा है मैथुनो अष्टप्रकरण, आठ तरह का मैथुन है सेक्स, इसलिए उसमें सबसे पहला है चितवनो, सबसे पहला सेक्स है चितवनो, श्रोणतो, अध्यनो ना, बकंतो, श्रोणतो, सुपर्शो और मैथुनो, सबसे पहला सेक्स है चितवनो। इसलिए साहब बोल रहे हैं प्रथम चक्षेंद्री को साधो। इसलिए एक सन्यासी नारी के अवयवों की तरफ नहीं नजर रखते हैं, कभी भी आप देखना, कभी भी देखना, जब भी पुरुष स्त्री की तरफ देखता है तो उनके छह अंगों की तरफ वो ध्यान देगा, मुख, वक्ष, कटी क्षेत्र, नितंब, जंगाएं और गर्भद्वार, उसकी नजर ही नहीं होगी। बुरा नहीं मानना, ये सब बातें तो साहब ने अपनी वाणियों में कही है, उधर ही नजर होगी। इस प्रकार से आदमी ऐसे दृश्य देखकर भी उत्तेजित होता है और बीर्ज अपने स्थान से इकलन शुरू कर देता है। इसलिए साहब ने जो वेदों में भी है, जो सेक्स के आठ प्रकरण कहे हैं, उसमें प्रथम ही चितवन हो देखना, दूसरा चिंतन हो है। इसलिए जब आदमी दुख में होगा तो मस्तिष्क में चिंतन नहीं हुआ, सेक्स भावना ही पैदा नहीं होगी। तो साहब बड़ा सटीक बातें बोले, सभी विद्याएं तो वहां से आई। इस तरह जो ये प्रक्रिया कर रहा है वो बीज को अपने पैंट से नीचे ला रहा है, मोर वो नाश नहीं रहा है। यही बात साहब भी कह रहे हैं, नार पुरुष जब ध्वंद मचाया, ध्वंद घमासान युद्ध है, तासे भई नरकी काया। इसी तरह लेकिन क्या है, मोर फिजिकल मोरनी को टचिंग नहीं करता है, इसलिए लोगों ने क्या मान लिया, ये मैथुन सृष्टि, लोगों ने क्या मान लिया, मोर संभोग नहीं करता है। नहीं करता है, वो करता है संभोग, ये मैथुन सृष्टि है। वृक्ष आदि भी संभोग करते हैं हवा के द्वारा, वैज्ञानिक लोग प्रमाणित कर चुके हैं स्पर्श के द्वारा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं बोला पपीते में, पपीते के लिए सबको बोलता हूं बहुत गुणकारी है, तो माली जब पपीता लगा रहा था तो उसमें एक नर था, बाकी मादा होती है। नर में क्या होगा, जैसे वैसे ही होगा, मैं बताता हूं, जैसे वक्ष स्थल पर नितंब जो है पुरुष को भी तो है ना, निपल्स पुरुष को भी तो है ना, नारी को है, इसी तरह जो नर पपीता होता है उसमें तो बोर आता है लेकिन अंकुरण नहीं होता है, फल ज्यादा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा भाई इसको निकाल देते हैं, बोला नहीं गुरुजी, इसी से बाकी ये जो पपीतियां हैं ये कंसीव करती है, माली ने मुझे बोला, इसलिए इसका होना जरूरी है। इसका मतलब है पेड़ों में भी नर और मादा होते हैं, ये पूरी सृष्टि ही क्या है, ये मैथुन सृष्टि है, 84 लाख जीव है, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई संभोग करता रहता है। पर जो अनल पक्ष है, अच्छा मोर ने कोई फिजिकल ट्रंक्स नहीं किया मोरनी के साथ, पर इस तरह से उनका जनरेशन चला और ठीक वैसे ही अनल पक्ष है। अब साहब क्या करें, अनल पक्ष सम पक्ष ना आना, वो अधर में रहता है और उसका आहार ही वायु है, क्या बात है, वो जमीन पर आते मर जाएगा। जैसे मछली जल से बाहर आकर मर जाएगी, मछली के शरीर में कंठ में एक सिस्टम है,
पानी में ऑक्सीजन है, वो छानकर ऑक्सीजन वो लेती है, जिसमें भी ब्लड है उनको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए वो ले लेती है। इस तरह अधर में रहता है अनल पक्ष, दृष्टि भाव से रत विधिकिना, नजर से वो मादा को प्रेग्नेंट कर देता है। क्या बात है, क्या बात है। अंड प्रकाश भयोत्पन्न निराधार आलम्ब न जाए, वहां अनिल पक्षिणी मादा अंडा देती है। क्या कौतुक है, अंडा उस साइड से बहुत दूर है, सिल्लो आता है मार्ग में, चक्ष तिन पाया, वो गिरते गिरते बड़ी स्पीड में नहीं आता है। मैंने एक उदाहरण पहले दिया था, कोचीन में हमारी बटालियन नेवल के साथ एक्सरसाइज कर रही थी, कभी कभी तीनों सेनाएं मिलकर एक्सरसाइज करती है और कभी कभी वो वायुसेना से भी मिलकर करती है। अचानक कहीं सेना भेजना है तो उसको फिर नीचे उतारना पड़ता है जवानों को, तो वो ट्रेनिंग देते हैं, मैं भी वो किया हूं रस्से के द्वारा, फिर नीचे आप कमांडो भी देखते हैं वो करते हैं। एक लड़के की घड़ी गिर गई, ये कोचिन साइट की बात, वहां गोताखोर था कि बाई चांस कोई गिर जाए उसको बचाने के लिए, उसको ढूंढा, कहा भाई घड़ी गिर गई, एसएमटी वाज थी उस समय, ये 1982 की बात है, बेंगलोर में था मैं, था हमारी बटालियन। नाविक ने क्या कहा, वो जो वहां नेवी का था गोताखोर, बोला कहां गिरी, बोला यहां गिरी, बोला अभी ले आता हूं। हम सब सोचे अरे घड़ी को गिरे 7-8 मिनट हुए और पानी यहां बहुत गहरा है, शिप कोई तट पर नहीं खड़ा होता है, वो तो जहां गहरा पानी है वहां खड़ा होता है, ये कैसे लाएगा। वो गया 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में घड़ी ला कर दे दी। उससे पूछा कैसा, बोला पानी के घनत्व के कारण ये हल्की घड़ी 3-4 दिन में जाकर तल में पहुंचना था। पानी का अपना घनत्व है ना, आप पानी में एक पत्थर फेंक कर देखो, बहुत स्लो नीचे जाएगा, जितना पानी का घनत्व ज्यादा होगा उतना स्पीड कम होगी। इसी तरह वहां पृथ्वी का आकर्षण नहीं है, इतनी ऊंचाई पर वो रहता है, वहां गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए वो अंडा धीरे धीरे नीचे आता है। साहब ने गप्पे नहीं बोली है, अद्भुत रहस्य संसार को दिया है। तो साहब कह रहे मार्ग में चक्ष तिन पाया, वो गिरते गिरते आंखें मिलती है, मार्ग में पंख प्रभावा, रास्ते में ही उसको पंख आ जाते हैं, मही डिगावा, मही पृथ्वी को कहते हैं, उसके नजदीक पहुंचने से पहले ही शुद्धता पावा, यहां मोर आश्रम नहीं, मेरा घर ये नहीं है, सूरत संभाल चले पुन तहवा, मात पिता को आश्रम जहवा, वो खुद ही अपने सार से आकर मिलता है, अपने मूल में आकर आता है, मात पिता तह लेन ना आया, उलट चीन निज घरे सदावा, उसके माँ बाप उसको लेने नहीं आए, वो खुद अपने घर में पहुंचा। इस तरह जो अनल पक्ष जस पक्षिन माई वर्ला जीव तस नाम समाई, कह रहे इसी तरह जैसे अनल पक्ष, कोई कोई गुरु को जल्दी पकड़ करके इस जीती जीव उस तत्व को प्राप्त करता है। यानी यहां साहब क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, उसके माँ बाप लेने नहीं आए। इस तरह हमारी आत्मा हमेशा प्रभु से मिलना चाहती है, वो उसका स्रोत है और ये आत्मा की नेचर है। पर इस दुनिया के अंदर महत्वाकांक्षी पाखंडी तबका ठेलुआ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए गलत रस्तों पर इंसान को भ्रमित कर देते हैं। इसको भी साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है। अब साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं प्रथम रहनी हंस बखानो निश्चिन रहो नाम लपटान, बोला हे धर्मराज यदि तुम जल्दी चलना चाहते हो तो अपना पूरा ध्यान समेट कर नाम में रखो, तीनों गुण है विष के मूला ताते दुख उपजे बहुसूला, तीनों गुण विष का मूल है,
इनसे बहुत दुख उत्पन्न है। इसमें से दुई गुण कम चेतना धारे रज तम को पर पंच निवारे, रज और तम गुण में नहीं आए और सत को धारण करे, वासा करे सत्य के माही, आशा बाकी राखे नहीं, उसकी आशा न रखे। प्रकृति 5-25 तत्व रहे ही, तीनों गुण कारण यह भाई, जो तीनों गुण वश कर आपे, 5-25 कोई नहीं व्यापे, तीनों गुण ते न्यारा खेले, मनुआ सत्य श्रवण में स्वासुरत एक डोरी लाए, अजर अमर लोक सदा। अब क्या कह रहे हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, इंडा पिंगला, एक वो मूर्ख कह भी रहा था कि जोर जोर से खींचता रहा सुषुम्ना नाड़ी और सर दर्द कुछ ये होने लगा। देखिए ये तो गलत विधि थी ना, सहज ही वो समझ में, इसलिए ये घट मंदिर प्रेम का मत कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर से थी जाए। तब ऑटोमेटिक 25 प्रकृति कैसे आधीन हो जाती है, पूरी शरीर की ऊर्जा सांस में सिमट करके सुषुम्ना में समा जाती है, तो पूरी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो जाती है, अभी पूरी ऊर्जा वर्ल्ड में फैली हुई है। अब यहां कह रहे हैं तो फिर निश्चिन बनत बनत बन जाई, गुरु का स्मरण कर नाम में लगे रहो। तो इस तरह कहा, सुरत सुरत की डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे, मनुआ सत्य स्मरण में पहले, चिंता तो सतनाम की और न चित्वे दास, जो कुछ चित्वे नाम बिन वही काल की फांस, मन पवना ले सुखमन राखे, सोई हंस अमीर राखे। मन चित गहता सुरत लगावे, ऐसी रहन हंस रहावे, बहुत न योनि संकट आए। कहा बहुत जल्दी पर तुम पहुंच जाओगे वहां, ऐसे ही नहीं कहा सुमरण से सुख होते हैं, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण की साई माए समाए, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माए, कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब। एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने लोगों को कहा आप आना है तो आए, यहाँ एक दो दिन से ज्यादा नहीं रुके, भीड़ अधिक न करें, लोग बहुत आने लगे। और एक आदमी आया यहाँ 24 आदमी को लेकर, 20 तारीख को आया जुलाई, और रिटर्न टिकट थी 17 अगस्त की, वाह, यानी एक महीना रहना चाहता था। तो क्या अमल किया लोगों ने, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियां हैं, अगर आप आना चाहते हैं मैं मना नहीं, एक आध दिन रह करके आप चले जाएं, नहीं तो फिर मैं लोगों को दरवाजा बंद करना पड़ेगा जब लोग नहीं मानेंगे। लोग थोड़ा ढीठ पर ना करते, वो नहीं किया जाना चाहिए। अब आप सोचे वो 27 दिन के लिए आया 24 आदमी लेकर के, यहाँ एक ऐसी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप आए मैं वेलकम करता हूँ, भीड़ नहीं करना, आए एक दिन रुके दर्श किया आप जाए, जैसे परिस्थिति उचित हो मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा आपके पास, मेरे गुरु की भी आज्ञा थी साहेब।